नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं सिरसा की आवाज वेब चैनल पर। ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं सिरसा के वेदबाला के पास की। यहाँ पर ये पीला पंजा ये क्यों आया हुआ है, ये आप हमारी विशेष रिपोर्ट में देखें। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि इस पीले पंजे का आने का कारण और पुलिस बल तैनात है, इसके आने का कारण यही है क्योंकि इसके जो ज़मीन के मालिक है उसने सरकार और प्रशासन से बिना अनुमति यहाँ पर निर्माण कर दिया। सरकार और प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली, जिससे प्रशासन के अधिकारियों आला अधिकारियों को पता लग गया और इस कारण इसकी जो इमारत है, जो बिल्डिंग बनाई गई है, जो एक ढांचा तैयार किया गया है, जो एक फैक्ट्री टाइप में लगाने की कोशिश की गई थी, इसको पीला पंजे की सहायता से ढाया गया है। ये आप सीधी कार्रवाई देख सकते हैं, तो आप हमारी विशेष रिपोर्ट में देखें जो आला अधिकारी इसका क्या कारण बताते हैं, वो हमारी विशेष रिपोर्ट में देखें। अच्छा, वेद कॉलोनी का फोटो। नमस्कार साथियों, आप जुड़ चुके हैं सिरसा की आवाज वेब चैनल के साथ। इस वक्त हम मौजूद हुए हैं सिरसा के पास वेदवाला के पास। हमारे आने का कारण ये है क्योंकि यहाँ पर एक इमारत है, वो ताश की पत्तों की तरह ढाई जाती है। तो आइए हम पूछते हैं कि इसका कारण क्या है। नमस्कार जी, आपका स्वागत। नमस्कार जी, मैं JP खासा डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर सिरसा आपको बताना चाहूँगा ये जो तोड़ फोड़ की कार्रवाई क्यों की जा रही है। क्योंकि सिरसा के चारों तरफ कंट्रोल एरिया सरकार ने डिक्लेयर कर रखा है, वहाँ कोई भी इमारत कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी बगैर सरकार की परमिशन के नहीं की जा सकती। तो इनको प्रॉपर नोटिस दे के बताया गया भाई आप कार्रवाई में अमल लाएँ, लेकिन इन्होंने मंजूरी नहीं ली, तो इसको आज थोड़ा सा फोड़ा जा रहा है। तो ये कब से बनी हुई थी और आपको सूचना इसकी कब मिली थी? सूचना हमारा जो फील्ड स्टाफ है वो रेगुलर चेकिंग पे जाता है, जैसे उनको कोई बनता दिखता है वो नोटिस बना के मुझे पुटअप करते हैं, नोटिस उनको इशू कर दिया जाता है, फिर उनको हियरिंग दी जाती है, कोई जवाब देता नहीं ना कोई आता, या जवाब उनका सेटिस्फेक्शन नहीं होता, फिर एक रेस्टोरेशन ऑर्डर जारी किया जाता है खुद हटा लें, फिर भी नहीं हटाते तो फिर हमें मजबूरन तोड़ना पड़ता है। तो अब इनके मालिक को आपने बुलाया या उनका कोई जवाब? हाँ, हमारे पास कोई जवाब नहीं आया, बाकी बुलाया तो है। अच्छा, इसके साथ में अलग ये भी बना हुआ है, इसके साथ में ढांचा है, ये कोई डेयरी फार्मिंग की बात कर रहे हैं, ये डेयरी फार्मिंग के लिए बना रहा है। अगर डेयरी फार्मिंग अलाउड है एक्ट में, अगर इसे अलग कुछ करेगा तो इसको भी तोड़ दिया जाएगा। ये आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं सिरसा की आवाज़ वेब चैनल पर। ये एक ताश की पत्तों की तरह बिल्डिंग को ढाया जा रहा है, जिसका साफ साफ कहना है कि बिना परमिशन के ये बनाया गया था, इसको इसलिए सरकार से कोई परमिशन नहीं ली गई थी, इसलिए आप हमसे यूं ही जुड़े रहे हैं। 3 साल से आपके भरोसे का प्रतीक, सबसे ज़्यादा देखने वाला वेब चैनल सिरसा की आवाज़ को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।